Yes, done. Ledger, introduction and definition and features and necessity. Turn the page. Color topic we will pick. Do you know journal is a book of dash? Journal is a book of dash, original entry. As in when a transaction is being originated, that we record in the books of journal. ठीक है. और ledger is a book of principal or primary book of accounts. वो entry की थी book, ये accounts की है, क्योंकि आपने ledger accounts बनाने हैं. कल format करवाया था ना, T shape एक format बनाना है जिसकी left hand side होगी, right hand side होगी. So this book is being called principal or primary book of accounts. That was original book of entry and this is principal or PP है दोनों. One is principal and other is primary. ठीक है, प्रिंसिपल और प्राइमरी बुक ऑफ अकाउंट्स, इस लाइन पे क्वेश्चन बनता है. आगे चलते हैं. इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक इन द अकाउंटिंग सिस्टम, यू विल आल्सो एग्री. जब तक लेजर अकाउंट नहीं बनेंगे, अगले चैप्टर पे हम जा ही नहीं सकते. थ्रू आउट योर कॉमर्स करियर यू विल बी रेफरिंग दीज लेजर अकाउंट्स. सो हमारे ओवरऑल अकाउंटिंग सिस्टम में लेजर अकाउंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी separate asset, liability, expense, income, we prepare this account. हर चीज के लिए हम ये account बनाते हैं. It contains, आगे मेरे वाली line, it contains all accounts. कौन कौन से? Asset का भी account होता है, liability का भी होता है, income का भी होता है, expenditure का भी होता है, gain का भी होता है, loss का भी होता है. For each, every type of personal account we prepare even. डेटर्स का अकाउंट बनाएंगे, सप्लायर्स का अकाउंट बनाएंगे, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट बनाएंगे, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बनाएंगे इन द फॉर्म ऑफ आउटस्टैंडिंग सैलरी, इन द फॉर्म ऑफ इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, जिसे एक्रूड इनकम कहते हैं. इनकम रिसीव्ड इन एडवांस का भी अकाउंट बनेगा. ठीक है, जैसे कमीशन रिसीव्ड का बनता है, तो कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस का भी बनेगा. फॉर एवरी टाइप ऑफ अकाउंट व्हाट एवर वी रेड इन आवर थ्री गोल्डन रूल्स दैट कंप्राइजेस डिफरेंट लेजर अकाउंट. ठीक है, तो कोई भी ऐसा चीज नहीं है जो हम लोग इसमें से छोड़ते हैं. तो लेजर इज द अल्टीमेट डेस्टिनेशन ऑफ ऑल द ट्रांजेक्शंस. ट्रांजेक्शंस किसमें रिकॉर्ड हुई? जर्नल में. उनकी आखिरी मंजिल क्या है? लेजर. लेजर में उसकी पोस्टिंग होगी और हमें फिर ग्रैंड टोटल पता चलेगा कि उस पर्टिकुलर अकाउंट का टोटल और बैलेंस कितना है. ठीक है, सो अल्टीमेट डेस्टिनेशन ऑफ ऑल द ट्रांजेक्शन इज लेजर. ये भी क्वेश्चन बनता है. Ultimate destination of all the transaction is what? Is it journal or trial balance or P&L account or ledger? Then your answer will be ledger, right? आगे चलते हैं. Yes. अगर ये final destination है हर transaction की, तो this book is also named as final entry, भाई. वो original entry है, तो ये final entry है. और पहला नाम क्या बताया? Principal or primary book of accounts, not of entry. डिफरेंस ऑफ वर्ड आपको याद रखना है. प्रिंसिपल और प्राइमरी. प्राइमरी बुक क्यों? प्राइमरी का मतलब पहली बार इस अकाउंट में एंटर हुई है ट्रांजेक्शन, इसलिए प्राइमरी. प्रिंसिपल का मतलब है फर्स्ट स्टॉप. फॉर द फर्स्ट टाइम द ट्रांजेक्शन आर बीइंग एंटर्ड हियर. अर्लियर वी रिकॉर्डेड देम इन जर्नल, और जर्नल के बाद पहली बार इस अकाउंट में हम ट्रांजेक्शन को क्या करते हैं? एंटर. सो दैट्स वाई वी कॉल इट प्रिंसिपल और प्राइमरी बुक ऑफ अकाउंट्स, क्योंकि ये मेरी ट्रांजेक्शन की फाइनल डेस्टिनेशन है. सो दिस बुक इज ऑल्सो नेम्ड एज बुक ऑफ फाइनल एंट्री. दोनों नाम आपको याद रखने हैं, उसने कॉमर्स में भी करके लिखा हुआ है. इन लेजर द इंफॉर्मेशन इज क्लासिफाइड एज पर नेचर एंड रेलेवेंस. एक्सपेंस का अकाउंट अलग बनाएंगे, एक्सपेंस के साथ इनकम को मर्ज नहीं करेंगे, और वैसा वैसा इनकम के साथ एक्सपेंस को मर्ज नहीं करेंगे. बिकॉज आई जस्ट वॉन्ट टू हैव अ टोटल ऑफ ऑल द एक्सपेंसेस एट द एंड ऑफ द ईयर. Total of all the incomes at the end of the year in order to know the profit or loss of the business. This is one example I am telling you. At the end of the year, I want to know the total of all the assets. So, firstly, I will be preparing the separate assets account, separate liabilities account, separate incomes account. Like income, 10 incomes hai. Ek sale hai, ek interest received hai, ek commission received hai, ek rent received hai, etc. डिस्काउंट रिसीव. आपने ये 10 लेजर अकाउंट बनाए, 10 के टोटल आ गए, बैलेंसिंग फिगर आ गई, तो आपके लिए उन बैलेंसिंग फिगर्स को उठाना आसान है कि अलग अलग पहले टोटल करने बैठोगे और फिर आप टोटल इनकम करोगे, क्योंकि 10 लेजर अकाउंट बने हैं, 10 के 10 क्या है? बैलेंसिंग फिगर आई हुई है. वो बैलेंसिंग फिगर हमें क्या बताती है? कि साल में इतनी टोटल इनकम हुई. और आमतौर पर ये लेजर अकाउंट साल में एक बार शुरू करते हैं और साल के एंड में खत्म करते हैं. मैंने जो कल करवाया था फॉर अ मंथ,
because I just wanted to tell you how, in short, we have to balance it. Otherwise, पूरा एक रजिस्टर रहता है लेजर का, और उस रजिस्टर का पूरा एक पेज रहता है या डबल पिन पेज हम एक अकाउंट को देते हैं, तो डेफिनेटली सो मेनी ट्रांजेक्शन वी कैन एंटर ऑन अ सिंगल पेज. ठीक है, तो पूरे 12 महीने की ट्रांजेक्शन उसी पेज पे हम एंटर करेंगे, एंड में आके उसका टोटल कर लेंगे, एंड वी विल बी फाइंडिंग द बैलेंसिंग फिगर. सो इट इज वेरी इजी फॉर अस टू गेट द टोटल ऑफ डिफरेंट अकाउंट्स एट द एंड ऑफ द ईयर, बिकॉज हियर बाय द सेपरेट अकाउंट्स आर बीइंग प्रिपेयर्ड बेस्ड अपॉन देयर नेचर, बेस्ड अपॉन देयर रेलेवेंस. जो चीज मेरे लिए रेलेवेंट है मैं उसका लेजर अकाउंट जरूर बनाऊंगी. इज देयर एनीथिंग इररेलेवेंट ऑल्सो? सारी चीजें ही रेलेवेंट होंगी, क्योंकि मैंने ट्रांजेक्शन ही कौन सी जर्नल में रिकॉर्ड करी थी, विच वर ऑफ बिजनेस नेचर. नॉन बिजनेस ट्रांजेक्शन तो मैंने वैसे ही इग्नोर करी थी. तो जब ट्रांजेक्शन जर्नल में रेलेवेंट रिकॉर्ड हुई है, तो डेफिनेटली लेजर अकाउंट भी तो रेलेवेंट ही बनेंगे. ठीक है, रेलेवेंट का मतलब क्या, विच आर असेंशियल टू बी मेड बाय अस. That is what, on the basis of relevance, on the basis of their nature, we prepare different ledger accounts. I have four definitions given in that box. Any two I will be reading, and that will help you to understand the concept comprehensively. Chaliye ji, pehli VG Vikri. Ledger is a book of accounts. Will you agree with this three words? Ledger is a book of accounts. क्योंकि accounts ही तो बनते हैं इसमें. Which contains in a suitably classified form. मैंने कल अकाउंटिंग साइकिल बोर्ड पे बनवाया था और बोला था पहला स्टेप आइडेंटिफाइंग है, दूसरा स्टेप रिकॉर्डिंग है, और तीसरा स्टेप क्लासिफाइंग है. क्लासिफाइंग मींस सेम नेचर आइटम इज टू बी रिकॉर्डेड इन द सेम अकाउंट. सैलरी की सारी एंट्रीज कहां पे रिकॉर्ड होनी है, सैलरी अकाउंट. रेंट की सारी एंट्रीज कहां पे रिकॉर्ड होनी है, रेंट अकाउंट में. सो सुटेबली क्लासिफाइड. ठीक है, मतलब मैं मिक्स मर्ज नहीं करती, ये नहीं करती कोई बात नहीं देखा जाएगा, सैलरी के साथ रेंट की एंट्री भी कर दो, रेंट के साथ रेंट आउटस्टैंडिंग की भी एंट्री कर दो. गलत, रेंट अगर मेरा एक्सपेंस है तो रेंट आउटस्टैंडिंग मेरी लायबिलिटी है. हाउ आई कैन मर्ज एक्सपेंस विद द लायबिलिटी? ठीक है, सूचीबली क्लासिफाइड फॉर्म रहती है इसमें, फाइनल डेस्टिनेशन होती है, एंड परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ ट्रेडर्स ट्रांजेक्शन होता है. जर्नल में तो रैंडमली मैंने एंट्रीज कर ली, एक अकाउंट डेबिट, दूसरा अकाउंट क्रेडिट. जर्नल ने मेरे को कहां पे बताया कि हर अकाउंट का टोटल कितना, तो यही परमानेंट डेस्टिनेशन हुई ना, यही फाइनल डेस्टिनेशन हुई, जहां पे मेरे को ये भी पता चलना है एक पर्टिकुलर अकाउंट का टोटल कितना है साल के एंड में. सो वीजी विक्री ने अच्छी डेफिनेशन दी, सुटेबली क्लासिफाइड फॉर्म और फाइनल एंड परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ एवरी ट्रांजेक्शन इज बीइंग कॉल्ड लेजर. सो एग्जामिनर कैन पिक दिस डेफिनेशन एंड ही कैन आस्क यू नेम इट, इट इज, इन दैट केस एग्जामिनर विल नॉट राइट लेजर इज अ, एग्जामिनर विल राइट डैश इज अ. What? I'm repeating the definition. Is a book of accounts which contains in a suitably classified form. So classified form is a tag word here. Whenever you will find in the definition books of accounts or classified form, you can immediately identify it as ledger. He's talking about ledger. When you will be finding the word recording, that will be a tagline to identify it as a journal. Because journal mein recording hoti hai bhai. It is a process of recording the transactions. On daily basis or on chronological basis. Chronological basis, you remember the word? Chronological basis means date wise. वहाँ पे journal में सारी entries date wise रहती हैं. So chronological word as well as recording word are the tag words to identify it as a journal. Or whenever he will be talking about in the form of classified, or he will be talking about क्या books of accounts, then you will be identifying it as ledger. थर्ड डेफिनेशन सिंगल लाइन की है, मैं छोड़ दूंगी. सेकंड देख लो, लेजर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स ऑफ अकाउंट एंड इट इज द फाइनल डेस्टिनेशन ऑफ द एंट्रीज मेड इन द सब्सिडरी बुक्स. सब्सिडरी बुक्स मीन छोटी छोटी बुक्स बनाई जाती है. बुक्स का मतलब छोटे छोटे रजिस्टर. यहाँ पे बुक्स का मतलब ये वाली बुक्स नहीं, जैसे मेरे अकाउंट्स और बिजनेस स्टडीज की बुक्स है. बुक्स का मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स. ठीक है, हो सकता है आप छोटे छोटे रजिस्टर हर अकाउंट के लिए बनाओ. रजिस्टर नंबर वन इज फॉर सैलरी, रजिस्टर नंबर टू इज फॉर परचेजेस, रजिस्टर नंबर थ्री इज फॉर सेल, और आप उसके ऊपर बाहर नाम लिख दो सेल्स बुक, आप उसके ऊपर नाम लिख दो परचेजेस बुक. तो जब उस बुक को खोलेंगे आपको सारी एंट्रीज सेल, हो सकता है वो पूरा रजिस्टर एक साल चले भाई. ठीक है ना. सो फॉर योर कन्वीनियंस इट डिपेंड्स अपॉन यू हाउ यू क्लासीफाई द थिंग्स. क्योंकि उसने वर्ड यूज किया था पहली डेफिनेशन में सुटेबली. So whatever is convenient to you, whatever is suitable as per the nature of your business. For example, if the business is on a sole proprietor, छोटा मोटा business है, गली मोहल्ले में जो छोटी छोटी दुकानें रहती हैं हमारी. ठीक है, grocery shop हो गई या कोई ऐसे general store हो गया,
तो वो लोग कहाँ बनाते हैं इतनी सारी बुक्स, उनके पास तो एक छोटी सी कॉपी रहती है। अगर उसके पास कोई, कभी कभी आपने नोट किया हो, आप उससे कोई सामान लेने गए और बोलते हो अंकल ये आपके पास सामान है, वो कहता नहीं है शाम तक ले जाना, और उसी टाइम अपनी कॉपी पे लिख लेता। इट मीन्स की दैट इज बुक्स ऑफ अकाउंट्स फॉर देम, बिकॉज देयर बिजनेस इज ऑन अ वेरी वेरी स्मॉल स्केल, और उस कॉपी ही उनका बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, ताकि मेमोरी में से भूल ना जाए वो, और शाम को उसने सामान लेने जाना है, नई परचेसेस करने जाना है मार्केट से, तो ही विल बी कैरिंग दैट कॉपी और पेज, ही विल बी टियरिंग ऑफ दैट पेज एंड ही विल बी कीपिंग दैट पेज इन हिज पॉकेट एंड ही विल बी बाइंग द थिंग्स एज पर हिज रिक्वायरमेंट। सो इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द बिजनेस दैट हाउ मेनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स यू विल बी प्रिपेयरिंग। अब मैं टाटा बिरला की एग्जांपल हूं तो 1000 बुक्स दे विल बी मेंटेनिंग, बिकॉज देयर बिजनेस इज ऑन अ वेरी वेरी लार्ज स्केल, नॉट ओनली इन इंडियन बाउंड्रीज, दे आर एक्सपोर्ट हाउसेस ऑल्सो, यू आर गेटिंग मी। So when I talk about the sole proprietor or partnership firm, their business scale is on very, very small scale. So that depends ki how many books of accounts you will be prepared. और मैंने बोला टाटा बिरला जैसे लोग ये मैनुअली थोड़ी ना करते हैं, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है भाई, उनके तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उनका अलग से एक अकाउंट्स डिपार्टमेंट चलता होगा जिसमें 50-100 बंदे काम करते होंगे। और टाटा का कोई एक प्रोडक्ट बनता है, टाटा ऑटोमोबाइल में है, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में है, टाटा के कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में टाटा टी है, कितनी सारी और चीजें हैं टाटा की, यू कैन रिमेम्बर द थिंग्स, ठीक है। सो देयर इज अनलिमिटेड, टाटा सॉल्ट है कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की अगर एग्जांपल हो तो, टाटा के 4 व्हीलर्स भी हैं, ठीक है, टाटा के 2 व्हीलर्स है जैसे होंडा एक्टिवा है, सुजुकी के हैं, तो टाटा के 2 व्हीलर्स नहीं है, 4 व्हीलर्स है, ठीक है ना। तो टाटा का इतना एक्सपेंडेड, टाटा स्टील है, तो बिल्कुल हटके है ना सारे बिजनेस, देखो एक दूसरे के साथ मैच ही नहीं करते, right? So they will be maintaining the different types of books of accounts for their different business houses, right? This is the 2 definition. Now with the help of definition, can you frame any point of feature? Feature, you know, that is the quality, that is the characteristics of ledger. One is, it is always in a classified form. Separate books are being prepared for separate accounts. ठीक है? These are always being prepared after passing the entry. Can you prepare the ledger accounts before passing the entry? No. It will run in a sequence, bhai. पहले लिख के जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड होंगी, जर्नल एंट्री में जो अकाउंट डेबिट और क्रेडिट हुआ है उसी के लेजर अकाउंट बनेंगे। सो इट इज ऑलवेज बीइंग प्रिपेयर्ड आफ्टर द पासिंग ऑफ जर्नल एंट्रीज। एनी अदर पॉइंट फ्रॉम योर साइड? बाकी देखते हैं बुक क्या कहती है। आप तो सोचो, डेफिनेशन की 3-4 लाइनें पड़ी ऊपर, इट इज द फाइनल डेस्टिनेशन ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन, जो लाइनें वहां पर लिखी है वही फीचर बनने हैं। चलो जी देखो क्या है। पहला, इट इज यस सेम है, इट इज अ प्रिंसिपल। तभी मैंने बोला था ना, हम प्रैक्टिकल पहले शुरू कर लेते हैं फिर समझना आसान होगा। इट इज प्रिंसिपल और प्राइमरी बुक ऑफ अकाउंट्स। बार बार वर्ड रिपीट हो रहे हैं तो क्वेश्चन बनते हैं इन पे, आपको याद रखनी है चीजें, फीड करनी है अपने माइंड में। पहला पॉइंट डन, द ट्रांजेक्शन आर क्लासिफाइड अंडर अप्रोप्रिएट हेड्स, और उन्हीं हेड्स को हम अकाउंट्स कहते हैं, लाइक एक्सपेंसिस में रेंट अकाउंट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, कमीशन पेड अकाउंट, उनके हम नाम रख लेते हैं और अप्रोप्रिएट हेड्स है, एक आम बंदे को भी समझ आता है। रेंट का मीनिंग एक आम बंदे को समझ आता है, फ्रेट का मीनिंग एक आम बंदे को भी समझ आता है। नाम कुछ ऐसे रखने हैं कि लोगों को समझ आए, ठीक है। सारे बंदे कॉमर्स बैकग्राउंड के थोड़ी ना, फ्यू आर ऑफ कॉमर्स बैकग्राउंड जिन्हें अकाउंट्स आता है, बाकियों को थोड़ी ना आता है। तो नाम हमने जेन्युइन रखने हैं अपनी चीजों के। जब मैंने कह ही दिया मशीनरी अकाउंट है तो दिस इज अंडरस्टूड टू एवरीवन कि मशीन का आना और जाना इसमें लिखा होगा, कब नई मशीन खरीदी, कब पुरानी बेची, कब उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगा, एटसेट्रा एटसेट्रा, राइट। अगर मैंने मोटर व्हीकल्स अकाउंट नाम रखा है तो इट इज अंडरस्टूड टू एवरीवन। सो यू हैव टू डिवाइड, यू हैव टू नेम देम एप्रोप्रिएटली, एंड दैट एप्रोप्रिएटली हेड्स व्हेन यू आर मेंटेनिंग वी कॉल देम अकाउंट्स, क्योंकि चैप्टर का नाम ही क्या है, लेजर अकाउंट्स, ठीक है। आगे चलते हैं, द अकाउंट कंटेन द कंडेंस्ड एंड समराइज्ड रिकॉर्ड ऑफ ऑल द रिलेटेड ट्रांजेक्शन। कल कैश अकाउंट बनाया था, कैश का आना और जाना दोनों साइड पे अलग अलग रिकॉर्ड किया था। कैश का आना कौन सी साइड पे रिकॉर्ड किया था, डेबिट साइड पे। कैश का जाना कौन सी साइड पे रिकॉर्ड किया था, क्रेडिट साइड पे। फिर जो साइड बड़ी थी उसका टोटल किया था और एंड में आके बैलेंसिंग फिगर निकाली थी। सो दैट ऑल वाज इन कंडेंस्ड फॉर्म। और सारी रिलेटेड ट्रांजेक्शन जिसमें कैश नहीं था वो एंट्री मैंने स्किप करवा दी थी ना। जैसे मैंने बोला था गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, तो एंट्री क्या थी, डेटर अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स, वो कैश बुक में नहीं आई थी, कैश बुक में रिलेटेड एंट्रीज ही आनी थी। इसीलिए प्रैक्टिकल मैंने पहले करवाया था कि आपको समझ आए। कंडेंस का डिक्शनरी मीनिंग क्या है, वैसे साइंस में टर्म है ना कंडेंसेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंडेंस, में क्या करते थे हम, कंडेंसेशन में क्या है, जैसे इवेपोरेशन है, कंडेंसेशन भी उसी चैप्टर में होता होगा। कंडेंसेशन क्या है, वाटर वेपर से जब दोबारा, तो यहां पे मेरे को लगता है कंडेंस्ड फॉर्म का मतलब क्या है,
शॉर्ट फॉर्म, हाँ समराइज्ड, ठीक है, मतलब फ्रॉम रीडिंग दैट आइटम्स यू कैन इजीली गेट कि कौन सी एंट्री में ये डेबिट हुआ होगा, कौन सी एंट्री में, मतलब रिवर्स प्रोसीजर, ठीक है, जैसे वाटर से वेपर्स बनते हैं और वेपर से दोबारा वाटर बनना है, इट मींस कि लेजर अकाउंट को पढ़ के भी यू कैन जज द जर्नल एंट्रीज। मैं एक एग्जांपल बताती हूँ, फॉर एग्जांपल आई एम प्रिपेयरिंग मशीनरी अकाउंट, राइट, सी हियर, देखना जरा रिवर्स आपको पता चलेगा। वैसे तो सीक्वेंस है कि जर्नल से लेजर ही बनने, लेकिन अगर आपने लेजर में कोई पोस्टिंग करी है तो क्या आप उससे जर्नल एंट्री जज कर सकते हो? उलट चलते हैं, मैं कुछ एंट्रीज यहाँ पे पोस्ट करती हूँ, ठीक है, तो आप मेरे को बताना। छोटा सा मशीनरी अकाउंट बनाते हैं, ये 5 लाख है भाई, ये डेप्रिसिएशन वर्ड है, चलो जी, जब मैंने मशीनरी अकाउंट की डेबिट साइड पे टू कैश लिखा, एंट्री क्या हुई होगी? टू कैश मींस रिवर्स आल्सो यू कैन जज, मींस ये मशीन खरीदने की एंट्री रही होगी, बीइंग मशीनरी परचेज। जब मैंने क्रेडिट साइड पे बाय डेप्रिसिएशन लिखा तो एंट्री क्या हुई होगी? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू मशीनरी मींस ये चार्जिंग ऑफ डेप्रिसिएशन की एंट्री हुई होगी, राइट, बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज एट द रेट ऑफ 10%, इजंट इट, क्योंकि मैंने 50,000 लगाया, 5 लाख का था, मैं रेट भी जज कर सकती हूँ, 5 लाख का 10% है तभी तो 50,000 से डेप्रिसिएशन है। सो कंडेंस्ड फॉर्म विद द हेल्प ऑफ दिस यू कैन इवन रिवर्स दिस थिंग्स। देन बाय बैंक, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू मशीनरी, पुरानी मशीन बेची होगी और चेक के थ्रू पेमेंट मिली, राइट, सो विद द हेल्प ऑफ जर्नल इट इज वेरी इजी फॉर अस टू प्रिपेयर द लेजर। दोबारा बोलो क्या फर्क पड़ना? हाँ, डेप्रिसिएशन अकाउंट बनेगा, बैंक अकाउंट भी अलग से बनेगा, कैश अकाउंट भी अलग से बनेगा। व्हाटसोएवर अकाउंट्स यू आर यूजिंग इन योर जर्नल एंट्री दैट ऑल लेजर अकाउंट्स आर सपोज्ड टू बी प्रिपेयर्ड बाय अस, राइट। आगे चलते हैं, फोर्थ, द इंफॉर्मेशन कंटेन इन द लेजर कैन बी यूज्ड टू ड्रॉ द कंक्लूजन रिगार्डिंग द स्टेटस ऑफ द अकाउंट। जो साइड बड़ी है छोटी साइड का भी टोटल वही लगा दो तो स्टेटस ऑफ द अकाउंट आपको पता चल जाएगा, डेबिट साइड पे बैलेंस आ रहा है कि क्रेडिट साइड पे बैलेंस आ रहा है। कल मैंने बोला था ना कैश की हमेशा डेबिट साइड का बड़ा होना जरूरी है, मींस जितना कैश आपके पास आए वो हमेशा ज्यादा होना चाहिए पेमेंट्स के कंपैरिजन में। सो यू कैन कम टू नो अबाउट द नेचर ऑफ द अकाउंट कि डेबिट साइड पे बैलेंस आ रहा है कि क्रेडिट साइड पे बैलेंस आ रहा है, यू कैन जज द नेचर। अब सोच समझ के मेरे को बताना, कैश का क्लोजिंग बैलेंस कल मैंने करवाया था बाय वाली साइड पे आया, बाय बैलेंस कैरी डाउन है ना, जब अगले मंथ की बिगिनिंग में उसे ओपनिंग बैलेंस लिखा तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखा। क्या नेचर है कैश का, कैश का क्या नेचर है? नेचर, नेचर मैं बताती हूँ, क्या ये एसेट है, लाइबिलिटी है, एक्सपेंस है कि इनकम है? अब बताओ, एसेट का हमेशा कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट साइड पे। ओपनिंग बैलेंस विल डिसाइड कि क्या स्टेटस है, नॉट क्रेडिट बैलेंस, सॉरी क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस कौन सी साइड पे आ रहा है? क्रेडिट पे। हमेशा किसी अकाउंट की नेचर अगर जज करनी है तो वी ऑलवेज रेफर इट्स ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड पे आ रहा है ना, मशीनरी अकाउंट का बताना था 5 लाख, आई एम गोइंग टू बैलेंस इट, 5 लाख, इस साइड का भी 5 लाख, जो शॉर्ट साइड का टोटल है वो करो मन में, 170 बना, 5 लाख में से 170 माइनस किया 330, बाय बैलेंस कैरी डाउन, ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। हमेशा ऐसा ही हुआ करेगा, मशीनरी इज योर एसेट, एसेट का कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट, तो ओपनिंग बैलेंस डेबिट ही तो है। क्रेडिट बैलेंस कौन सा आया? क्लोजिंग। नेचर कौन डिसाइड करेगा? ओपनिंग बैलेंस। आप किसी भी इनकम का अकाउंट बना के देख लेना, उसका बैलेंस आएगा टू बैलेंस कैरी डाउन, और जब आप उसे आगे ब्रॉट डाउन करोगे तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा, क्योंकि इनकम हमेशा क्रेडिट होती है, उसका हमेशा क्रेडिट पे ही आना है ओपनिंग। वी विल सी, वी विल डू सर्टेन इनकम्स अकाउंट, वी विल प्रिपेयर सर्टेन लॉसेस अकाउंट, ठीक है, सो दैट यू कैन जज द नेचर ऑफ द अकाउंट। सो विद द हेल्प ऑफ दिस यू कैन कम टू नो अबाउट द स्टेटस ऑफ द अकाउंट। इट इज यस, अगर आपको थोड़ा सा अकाउंटिंग साइकिल याद हो तो मैंने आपको पहले दिन से बताया हुआ आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, उसके बाद समराइजिंग है, ठीक है, समराइजिंग के बाद एनालाइजिंग है और फिर इंटरप्रिटेशन है। तो एंड में आके हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने होते हैं। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के लिए हमें एक समरी चाहिए होती है, समरी में हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए लेजर अकाउंट जरूरी है, और फाइनल अकाउंट मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जानने के लिए ट्रायल बैलेंस जरूरी है। इट मीन्स कि अपने बिजनेस का
फाइनल रिजल्ट जानने के लिए भी हमें लेजर अकाउंट बनाने जरूरी होते हैं. सो इट एक्ट्स एज अ बेस ऑफ प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स. फाइनल अकाउंट्स मींस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. बैलेंस शीट, साल के एंड में आपने बैलेंस शीट बनानी है, साल के एंड में आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है. सो फॉर देयर प्रिपरेशन लेजर अकाउंट्स आर असेंशियल. सो इट कांट बी अवॉइडेड. जर्नल के बाद सीधा ट्रायल बैलेंस नहीं बना सकते. इस स्टेप को बीच में से कहता स्किप नहीं कर सकते. जब तक ये स्टेप नहीं होगा तो समरी तैयार नहीं होगी. ये स्टेप मेरे को बताएगा हर अकाउंट का कितना कितना टोटल है. आप टोटल उठाओगे और ट्रायल बैलेंस में लिखोगे. बिकॉज समरी का मतलब क्या होता है? ओनली द हाईलाइट पॉइंट्स. किसी भी इंग्लिश के चैप्टर की जब आप समरी लिखते हो तो चैप्टर अगर 12 पेज में है, समरी एक या दो पेज में लिख देते हो. ठीक है, तो यहाँ पे ट्रायल बैलेंस एक या दो पेजेस में बन जाएगा. वैसे 1000 अकाउंट है मेरे पास. ठीक है, सो दैट इज व्हाट वी कॉल समरी. तो समराइज्ड स्टेप के लिए लेजर अकाउंट का जरूरी होना है. और उसके बाद जो फाइनल अकाउंट्स बनाने हैं इन टर्म्स ऑफ योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, अगेन द लेजर अकाउंट्स आर असेंशियल. नेसेसिटी वाला पेज काट दो. क्रॉस, यस. ट्रायल बैलेंस इज द समरी. इस चैप्टर में इसमें आना नहीं. इसके बाद मैंने कैश बुक और सब्सिडरी बुक्स करवाना. कैश बुक आए, सब्सिडरी बुक्स भी नहीं हो पाएगा शायद. इतनी जल्दी जल्दी नहीं करेंगे. कैश बुक विल बी द पार्ट ऑफ योर सितंबर टेस्ट, राइट. चलिए जी, नेसेसिटी ऑफ लेजर काट दो, इसमें से कुछ नहीं आएगा. स्टेप्स भी काट दो, क्योंकि ये तो न्यूमेरिकल करने के उसने ढंग बताए हैं. यस, डिफरेंस वी विल डू. डिफरेंस पढ़ो जी. पहला डिफरेंस, विल यू एग्री? फर्स्ट डिफरेंस, विल यू एग्री? जर्नल क्या है? बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री है. ये प्रिंसिपल और प्राइम एंट्री है. फाइनल डेस्टिनेशन है, राइट. सेकेंड, टाइमिंग ऑफ रिकॉर्डिंग. वो ओरिजिनल एंट्री है, तो एज एंड व्हेन द ट्रांजैक्शन ओरिजिनेट्स, एज एंड व्हेन द ट्रांजैक्शन अकर्स, एज एंड व्हेन द ट्रांजैक्शन टेक्स प्लेस, वी रिकॉर्ड इट. और ये ट्रांजैक्शंस आर पोस्टेड इन द लेजर आफ्टर द सेम हैव बीन रिकॉर्डेड इन जर्नल. पहले जर्नल में रिकॉर्ड होंगी, फिर लेजर में बनेगी. सो हु इज सक्सेसर, हु इज प्रीडेसेसर? जर्नल इज व्हाट? प्रीडेसेसर. एंड लेजर इज व्हाट? सक्सेसर. पहले क्या बनना है? जर्नल. और जर्नल के ऊपर डिपेंड क्या होगा? हमारा लेजर. डन. सीक्वेंस पता चल गया. एज एंड व्हेन द ट्रांजैक्शन ओरिजिनेट्स, एज व्हेन ट्रांजैक्शन टेक्स प्लेस, वी जस्ट रिकॉर्ड देम इन जर्नल, एंड आफ्टर रिकॉर्डिंग देम इन जर्नल वी जस्ट पोस्ट देम इनटू लेजर. सो सीक्वेंस वाइज लेजर कम्स एट द सेकंड नंबर एंड जर्नल कम्स फर्स्ट. अकरेंस वर्सेस क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन वर्ड किसके लिए यूज होगा? लेजर के लिए. गुड, चलो पढ़ो फिर. Transactions are recorded in the order of occurrence, means chronologically. ठीक है, order. जो transaction पहले हुई है उसको पहले record करेंगे, जो बाद में हुई है उसे बाद में record करेंगे. और वहां पर transactions कैसे होंगी? Transactions are classified according to their nature and grouped in the concerned account. सारे expense rent से related, rent account में डालना. Salary से related, सारे खर्चे salary account में डालना. So according to the nature, we are classifying or we are grouping the items, and accordingly we are preparing different accounts, different heads. Different heads are named as different accounts, right? Come to next, narration. Journal ke baad narration likhna zaruri hai. Ledger mein narration ki kahin pe space hi nahi hai. Kahin pe maine bola yahan pe narration likho. Aage chalte hain. Folio. Journal mein kaunsa folio chalega? Ledger mein kaunsa folio chalega? Journal folio chalega. Maine yahan pe ek miss kar diya na chota sa. ये जर्नल फोलियो बनना है, क्योंकि मैंने एक टेम्परेरी अकाउंट बनाया था आपको समझाने के लिए. अदरवाइज दोनों के इंटरचेंज फोलियो हैं, राइट. आगे चलते हैं. क्विक इंफॉर्मेशन किसमें से? पढ़ो जरा और बताओ मेरे को, किसमें से क्विक इंफॉर्मेशन है? हैज इट जस्टिफाइड द डिफरेंस? लेजर से क्विक इंफॉर्मेशन, क्योंकि लेजर विल टेल मी द ग्रैंड टोटल. भाई मेरे को क्या पढ़ा है कि जनवरी में कितना पे हुआ, फरवरी में कितना पे हुआ? मेरे को तो ये पता होना चाहिए साल में कितना पे हुआ. So quick information is always being provided by ledger account. So that's why it is essential. We can't skip it. Iska banana hamare liye zaruri hi hai after passing all the journal entries, right? After completing all the journal entries. Final accounts. Yes. Ledger is essential for the preparation of final accounts. Lekin journal se directly final accounts nahi bante, right? अब मेरे को बताओ, प्रॉफिट और लॉस पता करने के लिए सारी इनकम्स और एक्सपेंसेस का पता होना जरूरी है ना, और उसका टोटल हमें कौन बताता है? लेजर ही तो बताता है. सो लेजर इज असेंशियल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स, बट जर्नल के ऊपर हम डिपेंड नहीं रह सकते फाइनल अकाउंट्स बनाने के लिए. टेस्टिंग ऑफ एक्यूरेसी. मशीनरी 5 लाख की खरीदी है, 10 अगर आप कम डाल दोगे
गलती से एंट्री करते हुए आपने एंट्री कर दी मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश 50,000, वो गलती हम बहुत जल्दी ढूंढ नहीं पाएंगे, लेकिन लेजर में अगर ये गलती हो गई तो हमारा टोटल गलत आएगा। लेजर में की गई गलती हमारे से आसानी से ढूंढी जाती, मींस एक्यूरेसी अगर जज करनी है तो एक्यूरेसी का लेवल लेजर में जाके, क्योंकि यहाँ पे टोटल गलत आएगा ना, तो सीए बहुत जल्दी लेजर अकाउंट में से गलती ढूंढ लेगा, जर्नल में से गलती ढूंढनी कई बार हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाती है। ऐसे एक एक्स्ट्रा पॉइंट बनाया है, ठीक है, ही जस्ट एलैबोरेटेड द नंबर ऑफ पॉइंट्स, अदरवाइज चार पांच डिफरेंस ये मेन, राइट। आगे चलते हैं, रिकॉर्डिंग प्लेस, बताओ लेजर की दो साइड्स है, लेफ्ट हैंड साइड इज नेम्ड एज डेबिट साइड, राइट हैंड साइड इज नेम्ड एज, वहां पे ऐसे साइड नहीं है, डेबिट और क्रेडिट एडजेसेंट टू ईच अदर है, एडजेसेंट टू ईच अदर मींस एक दूसरे के साथ साथ है, बस ऊपर नीचे करके मैं लिख देती हूँ डिफरेंशिएट करने के लिए। लाइक आई यूज टू राइट लाइक दिस वे इन जर्नल, हाउ आई राइट, मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश, ये डेबिट 1,00,000, ये क्रेडिट 1,00,000, थोड़ा ऊपर नीचे का फर्क है, एडजेसेंट है ना, ठीक है। और वहां पे क्या रहती है, मेरी दो साइड्स रहती हैं, वन इज लेफ्ट हैंड साइड एंड अदर इज माय राइट हैंड साइड, ठीक है जी। आगे चलते हैं, फॉर्मेट, जर्नल हैज टू कॉलम, वन फॉर डेबिट एंड अदर इज क्रेडिट, उसकी दो साइड्स हैं और हर साइड में दो दो या तीन तीन कॉलम है, अगर जर्नल फोलियो का अलग से बोलना है तो ऐसा फॉर्मेट है इसका। बैलेंसिंग, जर्नल में बैलेंसिंग नहीं होती, टोटल होता है हर पेज का, इसकी बैलेंसिंग होती है, बैलेंसिंग कैसे होती है, यू टेल, जो साइड ग्रेटर है उसका टोटल करके दूसरी साइड का भी वही लिख दिया जाता है, फिर डिफरेंस कैलकुलेट किया जाता है और वही हमारी बैलेंसिंग फिगर होती है। दोबारा बोलो, हाँ हाँ, वो बराबर होता है, ये बराबर थोड़ा ना होता, ये बराबर है ही नहीं, यहाँ पे 5,00,000 है, इसका टोटल तो 170 था, इसमें बराबर नहीं होता, दैट्स व्हाई वी कैलकुलेट द बैलेंसिंग फिगर, वहां पे तो नेचुरली बराबर आता है क्योंकि जितनी डेबिट है उतनी क्रेडिट होनी है, ठीक है। आगे चलते हैं, अवॉइडेंस, विच कैन बी अवॉइडेड, दोनों में से एनी स्टेप यू कैन अवॉइड विद मैकेनिज्म या मैकेनाइजेशन, मींस टेक्निकल सॉफ्टवेयर बन गए हैं इसके बारे में, जर्नल में नॉट बी यूज फॉर द रूटीन ट्रांजेक्शन लाइक रिसीट्स परचेसेस एंड सेल्स, क्योंकि सॉफ्टवेयर में आप रिकॉर्ड कर लोगे, वैसे भी ये अनएसेंशियली पॉइंट बनाया, इसकी कोई रेलेवेंस नहीं है डिफरेंस की, लेकिन कहता लेजर कांट बी अवॉइडेड, हाउएवर इट मे बी लूज लीफ लेजर बट लेजर इज मस्ट, कहता चाहे आप एक छोटे से पेज पे क्यों ना बनाओ, लेजर का बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि लेजर ही आपको ग्रैंड टोटल बताता है, बैलेंसिंग फिगर बताता है उस अकाउंट की। तो जर्नल कहता कई बार हम स्किप कर लेते हैं, दो तीन दिनों की एंट्री से इकट्ठी कर देते हैं, स्किप, मैं थोड़ा सा रिलेट करके बता देती हूँ क्योंकि उसने डिफरेंस बता दिया, मंडे आपकी सेल हुई 10,000 की, ट्यूजडे आपकी सेल हुई 5,000 की, आपने मंडे भी एंट्री नहीं करी, आपने ट्यूजडे भी एंट्री नहीं करी, आप इकट्ठी जाके वेंडर से एंट्री कर सकते हो, वेंडर से देखिए भी सेल ऐड कर लो, बिकॉज यू नो समटाइम्स व्हेन योर बिजनेस स्केल इज वेरी स्मॉल नोबडी इज गोइंग टू चेक, कोई गवर्नमेंट आके चेक नहीं करने वाली कि आपने डेट वाइज रिकॉर्ड किया कि नहीं, इट इज फॉर योर ओन कन्वीनियंस, इट इज फॉर योर ओन मेमोरी, ठीक है। तो तीन सालों की सेल, तीन दिनों की सेल आप इकट्ठी डाल सकते हो ना, तो वहां पे जर्नल में कुछ ना कुछ स्किप हो सकता है, लेकिन लेजर को आप अवॉइड चाह के भी अवॉइड नहीं कर सकते, क्योंकि लेजर का अगर टोटल ठीक नहीं आएगा तो एंड में आके आपका प्रॉफिट और लॉस भी ठीक नहीं निकल, अल्टीमेटली आर फाइनल अकाउंट्स आर डिपेंडेंट अपॉन लेजर, सो दैट्स व्हाई वी कांट स्किप इट, रेस्ट ऑफ द थिंग्स वी विल कंटिन्यू टुमारो। ईशा इज देयर, ईशा Yes, attendance done, बच्चे? Okay.